नमस्कार, मैं उसाधना, आप देख रही युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र से है। मोरावा स्थित बालाजी दरबार में संपन्न हुआ हवन तंदुपरांत भंडारा। बालाजी दरबार में पुलिस बल रहा मौजूद। लगभग 16 से 17 जनपदों के भक्तगण आते हैं बालाजी दरबार। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरावा स्थित बालाजी दरबार में मनाया गया जन्मोत्सव कार्यक्रम। जन्मोत्सव कार्यक्रम में हवन कर प्रसाद वितरण किया गया। बालाजी दरबार मोराव में पहुंचे दूर दूर से भक्तगण। हवन के बाद भी सभी भक्तगणों ने चाव से भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बालाजी दरबार के मुख्य पुजारी प्रदीप मिश्रा ने बताया, 26 वर्ष से बालाजी की सेवा कर रहा हूं। 15 वर्ष पूर्व बालाजी दरबार की मोराव में स्थापना हुई थी। जब से दरबार लगना शुरू हुआ तब से बालाजी का जन्मोत्सव और भी कार्यक्रम समय समय पर हुआ करते हैं। भक्तगण दूर दूर से लगभग 16 जनपदों के अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं। बालाजी की कृपा से उनकी समस्या का समाधान होता है। मैं तो मात्र बालाजी का सेवक हूँ। लोगों की सेवा करने का उद्देश्य यह बालाजी महाराज की कृपा है। उनके दरबार में जो भी भक्त आता है उसका बालाजी सरकार भला करते हैं। वहीं मुख्य पुजारी प्रदीप मिश्रा ने मोरावा थाना अध्यक्ष अमरनाथ सिंह को धन्यवाद दिया कि पुलिस ने पूरा सहयोग किया जिससे कोई भी उपद्रव ना हो पाए। इस दौरान प्रदीप शुक्ला, शोभित, बाबूलाल, अजय कुमार पाल सहित लगभग सैकड़ों क्षेत्रीय भक्तगण उपस्थित रहे। सभी भक्तों का बारंबार धन्यवाद जो बालाजी के कार्यक्रम को सफल बनाया। मोरावा स्थित बालाजी दरबार में सुबह से लेकर शाम तक भंडारा चलता रहा। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। आइए देखते हैं बालाजी दरबार के मुख्य पुजारी प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा। श्रीमान जी, आज जो आपने कार्यक्रम किया, क्या कार्यक्रम था और इसका आयोजन आप कब से कर? आज जो था बालाजी का जन्म उत्सव मनाया गया और ये लगभग 16 साल से कंटिन्यू चलता है और जन्म उत्सव पे हमन और पुए का प्रसाद बटता है और कुमार मास में दशहरे के बाद जो मंगल और शनिवार पड़ता है उसमें विशाल भंडारा होता है। इसमें बहुत दूर दूर से लोग भक्त आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज करीब कितने भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया? लगभग 300-400 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कोई एक विशेष बात आज के कार्यक्रम की रही हो? आज का विशेष कार्यक्रम ये रहा है कि शासन और प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में शासन और प्रशासन की तरफ से हमको बड़ा सहयोग मिला। कैसा सहयोग मिला? सहयोग स्वच्छता व्यवस्था का, क्योंकि हो सकता कि कोई मतलब उत्पात ना हो जाए, क्योंकि इतनी टाइम तो कई जगह जो है उत्पात हुआ, तो उसको वो व्यवस्था शासन की बहुत ही अच्छी हमको लगी कि शासन ने जो है हमारा बड़ा सहयोग किया। और मैं सबसे ज्यादा तो धन्यवाद थाना अध्यक्ष मोरावा को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमारा कार्यक्रम सफल बनवाया।